डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास सिक्स के लिए सब्जेक्ट विज्ञान का जो चैप्टर नंबर फाइव है, शरीर में गति। पुराने वाली जो बुक्स हैं उनमें चैप्टर शायद आठ या नौ का चैप्टर हो, बट नई वाली जो बुक है उसमें चैप्टर नंबर फाइव है। चार पाँच चैप्टर आपके इस बार कम कर दिए गए, तो उसी हिसाब से हम ये जो सिलेबस है ये कम्प्लीट कवर करेंगे। तो इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम इस चैप्टर के कंप्लीट जो क्वेश्चन आंसर वो देखेंगे। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज इसी तरह की वीडियो आपको लगातार इस चैनल पे मिलते रहते हैं। पहला है, यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अस्थियों की संधियाँ शरीर में गति में सहायता करती हैं। अस्थियाँ और उपास्थि संयुक्त रूप से शरीर का कंकाल बनाती हैं। कोहनी की अस्थियाँ हिंज संधि द्वारा जुड़ी होती हैं और गति करते समय पेशी के संकुचन से अस्थियाँ खींचती हैं। नेक्स्ट आपको ट्रू फॉल्स बताना है। सभी जंतुओं की गति और चलन बिल्कुल एक समान होता है, तो ये गलत है। उपास्थि अस्थि की अपेक्षा कठोर होती है, ये भी गलत है। अंगुलियों की अस्थियों में संधि नहीं होती, ये भी गलत है। अगर भुजा में दो अस्थियां होती हैं, ये ट्रू है। तिलचट्टों में बाह्य कंकाल पाया जाता है, ये भी सत्य है। नेक्स्ट आपको कोलम मिलान करने। ऊपरी जबड़ा एक अचल संधि है। मछली का शरीर धारा रेखीय होता है। मछलियाँ हृदय की सुरक्षा करती हैं। घोंगा बहुत धीमी गति से चलता है और तिलचट्टा हवा में उड़ सकता है। नेक्स्ट आपको तीन क्वेश्चन दिए गए हैं। कंदुकली का संधि क्या है? कपाल की कौन सी अस्थि गति करती है और हमारी कोहनी पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ सकती? तो कंदुकली का संधि, तो जो हमारा कंधा होता है, कुल्ला जो होता है, उसमें एक संधि पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं कंदुकली का संधि। ये संधि इस प्रकार की होती है, एक साइड वाला हिस्सा इस तरीके से होता है और दूसरी साइड वाला हिस्सा भी ऐसे ही होता है। दूसरी अस्थि तो ऐसे होती है और एक अस्थि ऐसे होती है। तो जो बाहर वाला हिस्सा है, ये वाला गेंद की तरह होता है, ये वाला हिस्सा होता है कटोरी की तरह होता है। तो ये इसके अंदर धसा हुआ रहता है और ये हिल सकता है आराम से। देखिए, कंदुकली का संधि में एक अस्थि का सिरा गेंद जैसा गोल होता है, जैसे ये वाला भाग, और दूसरी अस्थि में कटोरी रूपे गर्त में धसा होता है। इस प्रकार की संधि सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है। संधि कंधे और कुल्ले की अस्थि में पाई जाती है। दूसरा, कपाल की कौन सी अस्थि गति करती है? तो कपाल की वेलनाकार अस्थि जो होती है वो गति करती है। हमारी कोहनी पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ सकती? क्योंकि हमारी कोहनी में हिंज संधि पाई जाती है। हिंज क्या होती है? जैसे घर में जो दरवाजा लगा होता है उसमें एक कब्जा लगा होता है, और कब्जा एक तरफ खुलता है दूसरी तरफ वो नहीं खुलता। हिंज एक प्रकार का कब्जा होता है जो हम घरों के दरवाजों में लगाते हैं। यह कब्जा पीछे की तरफ मुड़ सकता नहीं मुड़ सकता, इसलिए हमारी कोहनी भी पीछे की तरफ नहीं मुड़ सकती। तो डियर स्टूडेंट, ये थे आपके इस चैप्टर के कंप्लीट क्वेश्चन आंसर जो इस वीडियो में हमने देखे। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। इससे पहले वाले चैप्टर के भी क्वेश्चन आंसर जो हैं, वीडियोज जो हैं, वो मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। तो आप चैनल को विजिट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।